शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, काबीना कमेटी बनाए इंसदादे कोरोना ने शहर के 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दी। अनारकली मजन गुलशन रावी के कुछ इलाकों में लॉकडाउन होगा। बीएचए फेसिक्स अस्करी 11 के कुछ इलाके बंद होंगे। कैवलरी डीएचए का ए ब्लॉक, एचपीएफसी का इलाका भी शामिल। न्यू मुस्लिम टाउन सी ब्लॉक में लॉकडाउन लगाया जाएगा। रजा सिकंदर टीपू बाबर और उमर ब्लॉक्स गार्डन टाउन में लॉकडाउन लगाया जाएगा। बास मार्केटों और बाजारों में कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी का सख्त नोटिस। खिलाफवर्जी करने वाली मार्केटों और बाजारों को भी बंद करने का फैसला। सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग कैप्टन रिटायर्ड सफदर कोरोना वायरस का शिकार। कैप्टन रिटायर्ड सफदर शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के फेफड़े भी मुतासर। कहते हैं मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहा हूं। उधर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मरियम नवाज ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कोरोना होने के बाद टेस्ट कराया था। अस्पतालों में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे। मुख्तलिफ अस्पतालों में कोरोना के 48 मरीज तेरे इलाज। शहर के अस्पतालों में कोरोना वायरस के 11 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। दो कॉलेजेस में भी दो कोरोना केसेस सामने आ गए। एमयू कॉलेज की टीचर में कोरोना की तस्दीक। राबिया बसरी कॉलेज की तालिबा को भी कोरोना हो गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दिया ताहिर खुर्शीद भी कोरोना का शिकार। अब्दुल अलीम खान और चौधरी शाफे हुसैन का टेस्ट मनफी आ गया। रावी किनारे नया शहर आबाद करने के लिए पंजाब हुकूमत को माली मुश्किल। हुकूमत पहले फेज में 140 अरब कहां से दे। महकमा खजाना के हुकाम ने मेगा मंसूबे पर बड़ी रकम देने के लिए सर जोड़ लिए। रावी अर्बन अथॉरिटी की ब्रिज फाइनेंसिंग की समरी हुकूमत को इरसाल। महकमा खजाना ने मामला कैबिनेट कमेटी को मंजूरी के लिए इरसाल कर दिया। फिरदौस मार्केट अंडरपास का इफ्तिताह 20 नवंबर तक कर दिया जाएगा। अंडरपास के हवाले से तर्जमान पंजाब हुकूमत का वजाहती बयान। बोले एलडीए अपने जराए आमदन से अंडरपास की तकमील कर रहा है। उतराना के अहकाम पर अंडरपास मेगा प्रोजेक्ट की तामीर पर अमल पैरा है। अगस्त में बारिश से मंसूबे की तकमील में ताखीर हुई। एजुकेशन डिपार्टमेंट का नर्सरी प्रेप की क्लासेस लगाने की इजाजत। 11,000 प्राइमरी स्कूलों में इब्तदाई तालीम की क्लासेस को बहाल किया जाएगा। क्लासेस में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद मुकम्मल करवाया जाएगा। क्लासेस में केयर गिवर्स का होना भी लाजमी होगा। शहर में स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 तक पहुँच गया। एयरपोर्ट के रनवे पर हद निगाह 1500 मीटर रह गई। स्मॉग बढ़ने पर एयरलाइंस के पायलटों को भी आगाह कर दिया गया। स्मॉग बढ़ने से गले और आंखों की बीमारियां फैलने का खदशा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को चश्मे और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। शहर में फजाई आलूदगी बढ़ने से स्मोक में इजाफा। स्मोक के अफराज की चेकिंग के लिए आलात की अदम दस्तियाबी का इंकशाफ। किस गाड़ी से कितनी स्मोक खारिज होती है, आलात ही मौजूद नहीं। गाड़ियों से स्मोक 43% खारिज होती है। फसलों की बाकियात जलाने से 8% स्मोक निकलती है। महकमा माहौलियात और ट्रैफिक पुलिस अंदाजों से जुर्माने करने लगी। हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। नेप्रा ने एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अगस्त में बिजली की पैदावार लागत 3.68 रुपए फी यूनिट रही। सार्फिन से इजाफी वसूली नवम्बर के बिल में की जाएगी। शहर में चीनी की अदम दस्तियाबी का मसला बरकरार। अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी गायब। चंद एक पर दस्तियाब मगर नहायत कम। मॉडल टाउन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी गायब। टेक सोसाइटी यूटिलिटी स्टोर में आज चीनी नहीं मिलेगी। गार्डन टाउन यूटिलिटी स्टोर में चीनी शाम को मिलेगी। शहर के दीगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तियाब ना हो सकी। हुकूमत पंजाब लाहौर शहर की तरक्की में रुकावट बन गई। तरक्याती बजट के अजरा में लाहौर नजरअंदाज होने लगा। शहर को रमा साल पहले 5 माह में सिर्फ 9 अरब रुपए मिल सके। 337 तरक्याती मंसूबों पर 3.96 अरब रुपए का तखमीना है। साफ पानी, खेल, तालीम, सेहत के मंसूबे फंड से महरूम। रोड सेक्टर, इमरजेंसी, पब्लिक बिल्डिंग के बेशतर मंसूबों को भी फंड न मिले। महकमा बल्दियात ने महकमा खजाना
से 36 अरब मांग लिए हैं। ग्रांट 455 बलदियाती इदारों के तरक्याती कामों के लिए मांगी गई। बलदियाती इदारों को सालाना तरक्याती काम पर काम शुरू करने की हिदायत। बलदियाती इदारों को रुकी हुई स्कीमों पर काम तेज करने की भी हिदायत। नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ हंगामा, अराई का केस ख्वाजा इमरान नजीर को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश किया गया। इमरान नजीर से मोबाइल वीडियो की मौजूदगी की तस्दीक कर दी है पुलिस का मौकिफ। आज ही वीडियो चेक करें, अदालत का पुलिस को हुक्म। अदालत ने ख्वाजा इमरान नजीर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। थाने में तस्दील की जा रही है इमरान नजीर का अदालत में शिकवा। दीगर चार लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत 16 नवम्बर तक मंजूर। अदालत का लीगी रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। उधर ख्वाजा इमरान नजीर की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वालों की जमानत भी मंजूर। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने का मामला होम सेक्रेटरी और जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट जमा करा दी। मुल्जम को पेश करना जुडिशियल अफसरान की जिम्मेदारी है। मुल्जम की हिफाजत के लिए बख्तरबंद गाड़ी में पेश करते हैं। रिपोर्ट में वजाहत, शहबाज शरीफ को मेडिकल सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट का अदालत में जवाब।